हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्कूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आप कैसे जो बल्ब का होल्डर है उसे फिट और इंस्टॉल कर सकते हैं घर पर ही, वो भी बड़े ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्लायर, एक वायर और एक वायर कटर और एक बल्ब होल्डर जो कि अच्छे क्वालिटी का, ये मेरे हाथ से टूट गया है। तो फिर इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। किसी अच्छे क्वालिटी का बल्ब होल्डर जो कि आपको 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है, और एक मोमबत्ती, आपको मैं बताता हूँ बाद में मोमबत्ती क्यों चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी कैप निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं प्लस और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे कहीं भी आप निगेटिव और पॉजिटिव लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर ही आप निगेटिव लगा सकते हैं, यहाँ पर ही पॉजिटिव, कहीं भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसे हम बाजू में रख देते हैं और यहाँ पे वायर ले लेते हैं। तो ये इसकी कैप है। तो हमें सबसे पहले कैप के अंदर इस वायर को डालना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसे लगाएंगे वायर को तो ये कैप बाद में फिर फिट नहीं होगी। तो फिर सबसे पहले हम इसे कैप के अंदर डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड पॉजिटिव वायर है और ब्लैक निगेटिव वायर है। तो फिर हम इसे अभी स्ट्रिप कर लेते हैं ताकि जो अंदर के उसकी कॉपर की वायर है वो बाहर आ जाएगी। तो फिर स्ट्रिप करने के लिए वायर कटर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आपके पास वायर स्ट्रिपर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको स्ट्रिप कर लिया वायर को। तो अगर आपको ऐसे वायर कटर से या फिर आपके पास स्ट्रिपर नहीं है, आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हैं। तो आपको मैं अभी मोमबत्ती का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि आप कैसे वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं। तो फिर आपको इसके लिए लगेगी एक मोमबत्ती, तो इसे हम जला लेते हैं। और जो दोनों वायर आपको दिख रही है यहाँ पे, माइनस और प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव, तो उसे हम एक एक करके उसका रबर जो है उसको जला लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रबर जल नहीं रहा है इसका। तो फिर ये जलकर हो गया है, तो हम निगेटिव को ले लेते हैं। तो ये भी अभी जलना बंद हो गया है। तो फिर ये भी हो गया है रेडी, मोमबत्ती को बुझा लेते हैं। साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे दोनों को हमने जला लिया था, तो अब हम इसकी जो कोटिंग है रबर की वो निकाल देते हैं, जो इंसुलेशन है उसे निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंसुलेशन निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है जलाने के बाद। तो इसे कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये इससे डायरेक्ट निकालना नहीं आता है इसका जो इंसुलेशन, तो फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इंसुलेशन निकल के हो गया है, ठंडा भी हो गया है ये। तो फिर इसे हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। प्लायर का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसे भी हम सेम कर लेते हैं दूसरे वायर को। ओके,
तो फिर हम इसे अभी बेंड कर देते हैं। यह बीच में से आपको इसे बेंड करना होगा ताकि हमें ज़्यादा जो कॉपर वायर है उसे नहीं तो बाहर निकल जाएगी अगर ज़्यादा हम लोग रखेंगे तो। फिर इसे हम बेंड कर देते हैं इसे, ओके। तो फिर ये बेंड हो गई और यहाँ पे अब हम ले लेते हैं इसको बल्ब होल्डर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो दो टर्मिनल हैं, तो अब हम दोनों के जो स्क्रूज है उसे हम लूज करके लेते हैं। ये देखिए लूज हो गए हैं। ओके, तो हमारी जो कैप है वो यहाँ पे है, कैप के अंदर से डाली थी वायर हम लोग ने पहले से ही। तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यहाँ पे एक नॉट बांध लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक नॉट बांध लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक नॉट बांध ली क्योंकि अगर बाय चांस यहाँ से लूज होके अगर ये निकल जाती है वायर दोनों, तो फिर वो ये जो कैप है वो आपके जो बल्ब को नीचे नहीं गिरने देगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, इसके लिए वो मैंने नॉट बांध के रखी है। तो फिर ये सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो फिर चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। माइनस प्लस का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं भी कोई कुछ भी वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं और इसे टाइट कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो यहाँ पे टाइट हो गई, अच्छे से चेक कीजिए निकाल के। अगर आपको लूज लगती है तो फिर से एक बार लगाइए निकाल के। और यहाँ पर भी हम लोग ये डाल देते हैं। और इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं एकदम टाइट हो गई है दोनों। आप एक बार खींच के तसल्ली करके लीजिए कि ये बहुत टाइट है, निकल नहीं रही है। और बाद में फिर कैप को लीजिए। और यहाँ पे लगा दीजिए। आपका जो एडाप्टर है वो रिफिट हो गया है वायर के साथ। तो अब इसे कहीं भी लगा दीजिए और यहाँ पे बल्ब ऐसे फिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिवाली के लिए वगैरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इलेक्ट्रिशियन इस छोटे से काम को करने के लिए। तो आप यहाँ पे घर पर ही ये काम कर सकते हैं, कौन से भी आप होल्डर आराम से बदल सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो हर वीक लाते रहता हूँ। तो जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।